नमस्कार, मैं आरएस अतरोलिया आपका स्वागत करता हूँ। रहस्यमय और गलत समझे जाने वाले किंतु पृथ्वी के अच्छे प्रबंधक चमगादड़ों ने एक डरावनी प्रतिष्ठा अर्जित की है, क्योंकि ये आमतौर पर रात में देखे जाते हैं और हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये मानव और पर्यावरण को अपनी मूल्यवान सेवाएं प्रदान करते हैं। वीरान और उजड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले इस अद्भुत प्राणी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो पहले संक्षेप में परिचय करते हैं। चमगादड़ स्तनधारियों के दूसरे बड़े समूह के सदस्य हैं। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकता है और रात में भी उड़ सकता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं, दिन में सोते हैं और रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ये अंधे नहीं होते, अपनी आंखों का उपयोग कर सकते हैं, पर ये अपनी आंखों से ज्यादा अपनी उच्च आवृत्ति वाली आवाज इकोलोकेशन पर भरोसा करते हैं। अधिकांश चमगादड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जहां मौसम गर्म और हल्का होता है वहां रहना पसंद करते हैं। चमगादड़ समूह में रहते हैं। इनके दो समूह हैं, पहला फल खाने वाले, दूसरा कीट पतंगे खाने वाले। चमगादड़ चिड़िया की तरह अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे देते हैं और बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। दिन में ये शिकारी पशु पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते, किसी पेड़ की डाल, पुराने खंडरों या अंधेरी गुफाओं में उल्टे लटक कर आराम करते रहते हैं। ये शाम के समय ही बाहर निकलकर भोजन तलाशते हैं। चूंकि ये फल फूल और कीट पतंगे ही खाते हैं, इसलिए जिस मौसम और जिस क्षेत्र में फल फूल कीट पतंगों की अधिकता रहती है वहां इनका बाहुल्य रहता है। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये स्थिति उन्हें शिकारियों से आसानी से छिपने में और उड़ान भरने में मदद करती है। इनके पैर अविकसित और बहुत छोटे होते हैं, जिससे ये पक्षियों की तरह ना तो चल पाते हैं और ना ही जमीन से उड़ान भर पाते हैं। ये उल्टे लटके सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण ये है कि इनके पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि इनका वजन ही इनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। चमगादड़ इको ऑपरेटर्स या प्रतिध्वनि यंत्र का प्रयोग करते हैं। इनकी एक अपनी एक प्रकार की रडार प्रणाली होती है। जब इनकी ध्वनि तरंगे किसी से टकराती हैं तो वे तरंगे परावर्तित होकर वापस इन तक आती हैं, जिससे ये उसकी दूरी और स्थिति का सही सही पता लगा लेते हैं। चमगादड़ हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि ये 15% वर्षा वनों का संरक्षण करते हैं। ये 700 से अधिक पौधों का तेजी से परागण करते हैं, जिनमें से कुछ हम भोजन और दवा के लिए उपयोग करते हैं। ये पक्षियों और मधुमक्खियों की तुलना में तेजी से परागण करते हैं क्योंकि इनका शरीर बड़ा और रेशेदार होता है। ये हमारे कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थों के उत्पादन करने में मदद करते हैं। ये फल और बीज खाकर दूर दूसरी जगह जाकर मल के माध्यम से उन्हें फैला देते हैं। शिकारी कीटों के खिलाफ युद्ध में चमगादड़ मानव जाति के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक हैं। ये कीट हर साल अरबों रुपए की कीमत की फसलें खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं, और इस तरह ये कीट और कृषि कीट की आबादी को नियंत्रित करते हैं। ये वास्तव में अच्छे कीट भगाने वाले हैं। इनके थूक में पाया जाने वाला खून जमने से रोकने वाला पदार्थ एंटीकायगुलांट या ड्राकुलिन दिल के रोगों के मरीजों के इलाज में खून जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। मच्छरों से मलेरिया, मेनिनजाइटिस, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, वायरल और डेंगू जैसे घातक रोग होते हैं। कई उपायों के बाद भी मच्छरों का खात्मा नहीं हो पाता है। चमगादड़ों को मच्छर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन चमगादड़ के विलुप्त होते जाने के कारण मच्छरों की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिस क्षेत्र में चमगादड़ रहते हैं वहां मच्छर और कीट बहुत कम पाए जाते हैं। हमारे देश में चमगादड़ों को अशुभ माना जाता है, लेकिन कई धार्मिक स्थानों और मंदिरों में जहां ये रहते हैं इनकी पूजा की जाती है। चमगादड़ों की इन्हीं विशेषताओं के कारण ब्रिटेन और अमेरिका में बैट हाउस बनाकर इनका संरक्षण किया जा रहा है। हमारे देश में बंगाल में इन्हें संरक्षित करने की शुरुआत हो चुकी है। चमगादड़ वैश्विक परिस्थिति तंत्र ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, तो जाहिर है ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।